जय हिंद, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। रोज की तरह आपके लिए एक प्रमुख अपडेट को लेकर के हाजिर है जो आपके लिए जाननी जरूरी है। दोस्तों, प्रत्येक वीडियो में लगभग हम इंडियन एयरफोर्स की ही बात करते हैं, लेकिन आज की अपनी अपडेट में पहले हम बात करेंगे भारतीय नौसेना की। भारतीय नौसेना को लेकर के एक बड़ी अपडेट आई है। दरअसल इंडियन नेवी अपनी अंडर वाटर कैपेबिलिटी को और इन्हेंस करने के लिए कल अपनी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS करंज को कमीशन करने वाली है, और ये तीसरी स्कॉर्पियन क्लास की स्टेल्थ सबमरीन होगी जो भारतीय नौसेना का हिस्सा बनेगी। और ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है ये मुंबई में आयोजित किया जाएगा। INS करंज तकरीबन पिछले 2 साल से जो सी ट्रायल्स हैं उनसे गुजर रही है, और अब उसके जो सी ट्रायल्स हैं वो पूरे हो चुके हैं, और इसे जनवरी 2018 में सी ट्रायल्स के लिए वैलिडेट किया गया था। लेकिन अब ये कहा जाता है कि अब ये तीसरी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन, जो कि 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन प्रोजेक्ट में से शामिल है, ये भारतीय नौसेना का हिस्सा बनेगी। ये जो सबमरीन है, ये इसकी जो स्टेल्थ कैपेबिलिटी है और कॉम्बैट कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है। आपको बता दें कि इसके पहले जो पहली स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन थी INS कलवरी, उसने दिसंबर 2017 में भारतीय नौसेना को ज्वाइन किया था। उसके बाद INS कंडेरी की बारी आती है, जिसने सितंबर 2019 में नेवी की फ्लीट ज्वाइन की थी, और अब INS करण जो है वो कल इंडियन नेवी को ज्वाइन करने वाली है। रही बात फोर्थ और फिफ्थ सबमरीन्स की, जो यानी कि INS वेला और वागीर की, तो इस समय ये जो सी ट्रायल्स हैं उनसे गुजर रही हैं, और जो हमारी अंतिम स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है वॉक्शीर, इस समय वो अंडर कंस्ट्रक्शन में है। आपको बता दें कि सन 2006 में भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर के एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके तहत भारत को 6 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन बनानी थी, और फ्रांस की जो कंपनी है DCNS उसकी मदद यहाँ पे ली जानी थी। हालांकि प्लान तो शुरुआत में ये था कि जो सबमरीन की डिलीवरी है 2012 में शुरू कर दी जाएगी, और ये जो सबमरीन प्रोजेक्ट था ये प्रोजेक्ट 75 प्रोग्राम के अंतर्गत था, जिसकी लागत तकरीबन 3.75 बिलियन डॉलर्स की थी। लेकिन इस प्रोजेक्ट ने लगातार डिलेज को फेस किया, और बाद में ये अनुमान लगाया जाने लगा कि 2020 तक शायद ये कंप्लीट किया जा सके, लेकिन अभी भी इसके कंप्लीशन में थोड़ा समय बाकी है। आपको यहाँ पे एक ख़ास बात पता होना चाहिए कि ये है, और वो ये है कि जो इंडियन नेवी की सबमरीन कैपेबिलिटी है वो लगातार कम हो रही थी, क्योंकि 1980 में जहाँ इंडियन नेवी के पास तकरीबन 21 सबमरीन थी, वहीं अब सिर्फ 15 बची हैं, और 15 में से भी जो आधी सबमरीन है इस समय वो जो मिड लाइफ अपग्रेड्स हैं उनसे गुजर रही हैं। कहने का मतलब ये है कि तकरीबन 8 सबमरीन ही इस समय कॉम्बैट रेडी हैं, और इसी को लेकर के इंडियन नेवी लगातार अपनी कैपेबिलिटी में जो इजाफा है वो करने की कोशिश में लगी है, और स्कॉर्पियन क्लास जो सबमरीन्स हैं निसंदेह इसमें एक बड़ा जो किरदार है वो अदा करने वाली हैं। दोस्तों, हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय नौसेना के MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स को लेकर के आ रही है। आपको पता है कि भारतीय नौसेना के लिए तकरीबन 24 MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने क्लियर कर दिया था, जिसके तहत नेवी को 24 ऐसे हेलीकॉप्टर्स मिलने थे। तो अब एक रिसेंट मीडिया अपडेट में इस बात की जानकारी दी गई कि बहुत जल्द इंडियन नेवी के पायलट्स और ग्राउंड स्टाफ की जो टीम है वो US के लिए रवाना होगी। मकसद साफ है कि US में जाकर के ये जो टीम है वो इस हेलीकॉप्टर में ट्रेनिंग लेने वाली है। माना ये जाता है कि इंडियन नेवी इनके जो फर्स्ट बैच हेलीकॉप्टर्स के हैं वो अगले साल रिसीव करेगी। एक आधिकारिक सोर्स से इस बात की पुष्टि हुई कि एक लेटर इंडियन नेवी को US की तरफ से मिला है, जहां पर US ने भारत के जो पायलट हैं और ग्राउंड स्टाफ हैं उनको इनवाइट किया है ताकि ट्रेनिंग शुरू की जा सके। हालांकि अभी पायलट और ग्राउंड स्टाफ की संख्या कितनी है ये डिसाइड नहीं की गई है, लेकिन आपको बता दें कि जो ट्रेनिंग थी वो पिछले साल ही शुरू की जानी थी, लेकिन वैश्विक महामारी COVID-19 के कारण जो व्यापक पैमाने पर लॉकडाउन लगा उसके वजह से जो शेड्यूल था वो प्रभावित हुआ, लेकिन अब सब कुछ नए सिरे से शुरू हो गया है। आपको यहाँ पे एक ख़ास बात पता होना चाहिए कि जो 3 हेलीकॉप्टर हैं 24 में से वो अगले साल डिलीवर कर दिए जाएंगे, लेकिन अगर हम औपचारिक डिलीवर की बात करें तो तकरीबन इसी साल जून में या जून से सितंबर के बीच जो भारतीय एम्बेसी है US में उसको ये जो हेलीकॉप्टर ही औपचारिक रूप से हैंडओवर कर दिए जाएंगे, और माना जाता है कि जो भारत के पायलट्स हैं वो इन्हीं हेलीकॉप्टर्स में ट्रेनिंग लेने वाले हैं। खास बात यह है कि इसको लेकर के जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं उन्होंने ये कहा कि ये इन हेलीकॉप्टर्स का जो मेन मकसद होगा
वो जो हमारे पायलट्स होंगे वहाँ पे उनके ट्रेनिंग के लिए किया जाएगा और बाद में यही हेलीकॉप्टर्स इंडिया के लिए फ्लाई करेंगे। हालांकि अभी इसके डिलीवरी का जो ओरिजिनल टाइम है ये बताने से लॉकहीड मार्टिन कतरा रही है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये काम काफ़ी समय और काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसमें कुछ देरी का सामना करना पड़ा था। सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि भारत ने अमेरिका के साथ ऐसे 24 हेलीकॉप्टर्स की डील साइन की थी जो कि तकरीबन $2.6 बिलियन की लागत में हुई थी। और आपको यहाँ पे एक खास बात पता होना चाहिए, वो ये है कि MS-60 जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये फोर्थ जनरेशन के हेलीकॉप्टर्स हैं और ये भारतीय नौसेना का हिस्सा बनने वाले हैं। इनमें टॉर्पीडोज़ के साथ साथ मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है और बेसिकली इस हेलीकॉप्टर का जो मेन रोल है वो एंटी सबमरीन जो हेलीकॉप्टर के तौर पर किया जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर इसको लेकर के ये क्लियर नहीं है कि क्या इसमें किसी ऑफसेट का भी इस्तेमाल किया गया है या नहीं, यानी इस डील में 30% ऑफसेट की बात कही जा रही है, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है। फिलहाल जो पूरा का पूरा पैकेज है उसमें ट्रेनिंग के साथ साथ जो स्पेयर पार्ट्स हैं, एयर टू ग्राउंड वेपन हैं और सपोर्ट है वो भी शामिल है, यानी इसी डील का हिस्सा ये सारी चीज़ें हैं। और ऐसा माना गया था कि डील के साइन होने के 5 साल के भीतर ही ये सारी मशीन्स भारत को डिलीवर की जानी थी, जो कि अभी भारतीय नौसेना में कार्यरत ब्रिटिश सी किंग हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करेंगी। और इस चीज़ की जो पुष्टि थी वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 2018 में कर दी थी। और अभी हाल ही में जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का दौरा किया था तो उसके कुछ समय पहले ही इन हेलीकॉप्टर्स की डील साइन की गई थी। आपको एक चीज़ यहाँ पर जान के आश्चर्य होगा और वो काफ़ी बड़ी बात भी है कि भारत ने इस हेलीकॉप्टर को मुख्यतः एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए ख़रीदा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत के पास ऐसे विमान पहले नहीं थे। दरअसल भारत के पास ऑलरेडी P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट है जो कि इस रोल के लिए काफ़ी अच्छे से जाना जाता है, लेकिन अब इन हेलीकॉप्टर्स के आने के बाद भारतीय नौसेना का जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब आपको बता दें कि इसमें भारत ने मॉडिफिकेशंस क्या क्या करवाई हैं। जैसा कि ऑफिशियल सोर्सेज ने ये कहा कि जो MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर है ये अमेरिका के जो US-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं इनका नेवल वेरियंट है। इसमें नौसेना की ज़रूरत के हिसाब से कुछ प्रमुख चेंजेस करवाए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे जो वेपन कॉन्फ़िगरेशन है, जो एवियोनिक्स कॉन्फ़िगरेशन है वो जो समुद्री इलाके हैं उनके हिसाब से किया गया है। इसका इस्तेमाल ना सिर्फ जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर है उसमें किया जाएगा, बल्कि और भी जो दूसरे जो ये कह सकते हैं कि ऑपरेशंस हैं उनके लिए इनमें इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल यहाँ पर ये चीज़ खास इसको इसलिए बनाती है क्योंकि ये अपनी श्रेणी का सबसे अच्छा और सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टर है और इस तरह के हेलीकॉप्टर्स की दरकार भारतीय नौसेना को काफ़ी लंबे समय से थी। तो हम उम्मीद ये करते हैं कि जल्द से जल्द भारतीय नौसेना में इन हेलीकॉप्टर्स को शामिल किया जाएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।